अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनोबर हियर। आज हम बनाने जा रहे हैं ज्वार की रोटी, जो कि बहुत से लोगों को बनानी नहीं आती है। और हमें तवे को पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख देना है। और हमें लेना है ज्वार का आटा और पानी। पानी को इस तरह से एक बॉल में ले ले तो आपको आटा गूंदने में आसानी हो जाएगी। और ज्वार के आटे को इस तरह से छान ले। अगर आपको एक रोटी के लिए चाहिए तो आप एक रोटी के लिए ले सकते हैं आटा। अगर दो तीन रोटियाँ आपको डालनी है तो आप एक टाइम में ही दो तीन रोटियों का आटा ले लें और गूंद लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और बार बार गूंदने का जो काम होगा वो बच जाएगा। और इस तरह से आपको आटे को गूंदना है, ना ज़्यादा पानी डालना है ना कम। इसकी जो ग्रिप होती है आटे की वो अच्छे से आ जाए, इस हिसाब से आपको इसे गूंदना होगा। कुछ कुछ लोग ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो अच्छे से रोटी नहीं आती है। सो आप देख सकते हैं इस तरह से आटे की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बाइंडिंग होनी चाहिए अच्छे से। और इस तरह से हथेली और फिंगर्स की शेप से इसको राउंड कीजिए गूंधे हुए आटे को। और अब हमें इसके नीचे थोड़ा सा आटा छानना होगा ताकि रोटेट करने में इजी जाए, और ऊपर से भी थोड़ा डाल लें ताकि हाथ को ना लगे। और इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन में आप राइट हैंड से इसे रोटेट करना स्टार्ट करें हथेली की मदद से। ज़्यादा ज़ोर ना डालें, हल्के से करें। और फिर जो आपकी लेफ़्ट साइड की जो लिटिल फिंगर होती है उससे इसको शेप देते रहिए। जो फर्स्ट टाइम डालेंगे उन्हें थोड़ा हार्ड जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ यहीं तक इसको गूंदना है, ये सॉरी रोटेट करना है। ओके, सो अब ये रिमेनिंग जो आटा है इसको वापस डाल दें जो आटे में हमने लिया था। तो और इतना ही आटा सफिशियंट है रोटेट करने के लिए अब इसे। सो अब हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है यहाँ से। सो बेलन लेना है आपको, और बेलन से इसे जैसे आप गेहूँ की रोटी डालते हैं एग्जैक्टली वैसे ही इसे रोटेट करते चलना है। ओके, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। सो आप देख सकते हैं ये रोटी कितनी अच्छी आ रही है और कहीं से भी टूट नहीं रही है। बहुत से लोगों को नहीं आती है इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड करने के लिए सोचा। सो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी रोटी आ रही है। अब हमारी रोटी जो है शेप में रेडी है। अब जिनकी ख्वाहिश है थपक की रोटी डालने की, सो वो इसको अब थपक सकते हैं ताकि ऐसा लगे हमने थपक की रोटी डाली है। और ये रोटी जो है नॉर्मल जो थपक कर रोटी डालते हैं उससे काफ़ी बेहतर भी आती है और टेस्ट में भी अच्छी लगती है। और सेकने का जो हुनर है आपको आना चाहिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। सो हम इसे तवे पे डाल देंगे। ओके, आपको इस तरह से इसको उठाना होगा स्लोली, ये टूटे ना इसका ख्याल रखें। और तवे पर इसको ऐसे डाल दें जैसे मैं डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से इसको डालें। और तवे का जो फ्लेम है वो मैंने सिम पर रख दिया था ताकि तवा ज़्यादा गर्म ना हो जाए। अब हम इसको इस तरह से पानी लगा लेंगे पूरे साइड से, कहीं पर भी छूटे ना ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जो रिमेनिंग पानी है वो हम निकाल लेंगे अगर ज़्यादा हो जाए तो। और फिर गैस का जो फ्लेम होता है उसको एकदम फुल पे रख देंगे ताकि रोटी अच्छे से सेकने लगे। आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाने के लिए इसको अच्छे से करीब रखा है कैमरे को। और इस तरह से आपको फिर रोटी को पलटाने की जो ट्रिक है आपको उसके लिए स्पैचुला लेना होगा, उल्थानी, और इसको धीरे से ऐसे उठाकर पलट दें। और आप देख सकते हैं इसकी जो साइड्स होती है ये अपने आप उठने लगती है। इसकी जो निशानी होती है जो हीट अच्छे से प्रोवाइड होने की, आप देख सकते हैं साइडों से अपने आप उठने लगती है। रोटी ढीली हो जाती है साइडों से, सो आप इसको दूसरी साइड पर फ्लिप कर सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेक चुकी है। याद रखें गैस का जो फ्लेम होता है उसको आपको फुल पर ही रखना है ज्वार की रोटी डालते टाइम। अगर आप सिंपर वगैरह रख देंगे तो फिर रोटी अच्छे से नहीं सेक पाएगी। इस तरह से देखिए आप कैसे फूल रही है। और आप देख सकते हैं कि जो थपक कर डाली हुई रोटी और ये बेल कर डाली हुई रोटी एज इट इज़ होते हैं, फ़र्क कुछ नहीं होता है। उल्टा बेलन की मदद से डालने से ज्वार की रोटी और पतली आती है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सिक कर तैयार हो चुकी है। अब हमें इसे जहाँ पर थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि सेकने की ज़रूरत है तो सेक लें, इससे रोटी जो है और सौंधी आती है, यानी कि टेस्ट और अच्छा आता है। और गैस के फ्लेम को थोड़ा कम पे रख के अब सेकें आप, क्योंकि अच्छे से सिक चुकी है। अब सिर्फ इसे हमें कच्ची ना रह जाए इसके लिए सेकना होता है। ओके, जिनको भी ज्वार की रोटी नहीं आती है थपक के या फिर बिल्कुल भी नहीं आती है, सो इस तरह से वो बेलकर रोटी डाल दीजिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, अच्छे से चेक कर लें हर साइड से कहीं से रोटी कच्ची ना रह जाए।
और इट्स डन। आपकी ज्वार की रोटी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिक चुकी है। किसी के यहाँ कड़क रोटी खाते हैं, किसी के यहाँ नरम खाते हैं, तो उतना ही सेके जैसी आपको चाहिए। सो नाउ आप देख सकते हैं इट्स डन। हॉट पॉट में दस्तर डाल दें और इस तरह से ज्वार की रोटी को रखें, जो जिनको कड़क रोटी पसंद है उनके लिए इस तरह से आप रख सकते हैं, और उस पर दूसरी जो दस्तरखान है उसको ढाप दें, और जो नरम खाते हैं उनके लिए एयर टाइट कर दें। अल्लाह हाफिज़।